अगर आप भी अपने तांबे और पीतल के बर्तनों से पक चुके हैं और साफ कर कर के थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बताए गए तरीके से आपके काले और गंदे बर्तन बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे, जैसा ये वीडियो में दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बाउल लीजिए और उसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच डिश वॉशर लिक्विड, वो किसी भी कंपनी का हो, और 2 से 3 चम्मच सिरका। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से आपस में मिला लें। ये सारी क्वांटिटी आप बर्तन के साइज़ के हिसाब से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि मैं 3 बर्तन साफ कर रही हूँ तो मुझे इतनी क्वांटिटी लगी। अगर आप कोई छोटा बर्तन क्लीन कर रहे हैं या एक क्लीन कर रहे हैं तो आपको कम क्वांटिटी लेनी है, या अगर इससे ज़्यादा बर्तन कर रहे हैं क्लीन तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है, या अगर बड़ा बर्तन है तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। ये क्लीन करने वाला घोल इतना इफ़ेक्टिव है कि आप अगर थोड़ा सा भी हल्का हल्के हाथों से भी आप इसको घिसेंगे ना तो आपके बर्तन बिल्कुल चमक जाएंगे। ये देखिए, मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कर रही हूँ तो भी देखो इसमें कितना चेंजेस लग रहे हैं। पहले कितना काला था और अभी देखिए कितना चमकते जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। जो ऊपर का पोर्शन है बर्तन का वो काला है, और यहाँ पे जहाँ से मैं साफ़ कर रही हूँ वहाँ से धीरे धीरे करके क्लीन होते जा रहा है, और धीरे धीरे करके पूरा बर्तन चमक जाएगा। और अगर आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा भी क्लीन करने की मेहनत नहीं करनी है, तो आपको ये जो डाइल्यूट है बनाया हुआ इसको सिर्फ आपको बर्तन के ऊपर कोट करके रखना है, और थोड़ी देर रख के छोड़ देंगे ना तो भी बर्तन ये बिल्कुल क्लीन होता जाएगा। ये मैंने अब एक और बर्तन लिया है जिसको मैं साफ कर रही हूँ। इसको देख के तो लगेगा ही नहीं कि ये साफ होगा भी, लेकिन ये भी साफ हो जाएगा। आप देखिएगा धीरे धीरे इसको साफ करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ही चिपकी हुई वो है, कालापन है, जिसकी वजह से वो थोड़ा उसको टाइम लगेगा, लेकिन ये भी हो जाएगा। इसको हम हाथ से थोड़ा हाथ से करेंगे, फिर थोड़ा सा लोहे के स्क्रबर से करेंगे तो बहुत ही जल्दी बहुत फास्ट ये हो जाएगा। देखिए कैसा फास्ट होता जा रहा है। आपने पहले देखा होगा कितना काला था, और अब देखिए कितना सुंदर होते जा रहा है, क्लीन होता जा रहा है। वैसे वैसे बहुत ही दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे कॉपर के 3 बर्तन तो साफ हो गए, अभी पीतल की बारी। ऐसे ही जिस तरह से कॉपर के बर्तन साफ हुए, ऐसे पीतल के बर्तनों पे भी आप करेंगे तो अच्छे से साफ हो जाएंगे वो भी। तो अगर आपको मेरा ये किचन हैक पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि आपको ये किचन हैक कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।